यह वीडियो उन लोगों के लिए जिन्हें फ्री में डोमेन चाहिए, खास करके वो लोग जो अभी न्यू हैं, वो सीखना चाहते हैं वेबसाइट बनाने के लिए, लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि हम अभी डोमेन में इन्वेस्ट करें और चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन से अपना पहला वेबसाइट बनाना, तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सिखाएंगे किस तरीके से आपको फ्री में डोमेन मिल सकते हैं, बहुत सारे अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं आपको कौन सा डोमेन लेना है। तो उसके लिए आपको चाहिए गिटहब का स्टूडेंट डेवलपर वाला अकाउंट। अगर आपके पास गिटहब का स्टूडेंट डेवलपर वाला अकाउंट नहीं है, अगर आपको जानना है किस तरीके से आप गिटहब का स्टूडेंट डेवलपर ले सकते हैं, तो उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं किस तरीके से आपको अपना डोमेन क्लेम करना है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपना गिटहब स्टूडेंट डेवलपर अकाउंट को लॉगिन कर लेंगे, देन करेंगे नीचे स्क्रॉल, फिर आप यहाँ पर क्लिक करोगे एक्सप्लोर मोर ऑफर्स। इसके बाद आप कुछ इस तरीके से इस पेज में आ जाओगे और करते जाओगे नीचे स्क्रॉल, करते जाओगे कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर आपको पहला मिलेगा वेबसाइट नेमचीप। अगर आप इस वेबसाइट के थ्रू अपना फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन क्लेम करते हो तो आपको मिलेगा .me वाला डोमेन फ्री ऑफ कॉस्ट 1 ईयर के लिए, साथ में आपको 1 SSL सर्टिफिकेट भी मिलेगा 1 ईयर के लिए। इसके अलावा अगर आपको .live वाला डोमेन चाहिए तो आप name.com से ले सकते हो, अगर आपको .tech वाला डोमेन चाहिए तो आप .tech डोमेन से ले सकते हो। तो पहले हम सीखेंगे किस तरीके से आप नेमचीप से अपना डोमेन क्लेम करोगे, इसके बाद हम आगे सीखेंगे किस तरीके से हम name.com एंड .tech डोमेन से कैसे अपना डोमेन क्लेम करेंगे। सबसे पहले .me डोमेन क्लेम करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर आप कुछ इस तरीके से इस पेज में आ जाओगे, देन आप यहाँ पे इसे परमिशन दोगे, इसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा गिटहब स्टूडेंट डेवलपर वाला अकाउंट से कि आप एलिजिबल हो .me वाला डोमेन क्लेम करने के लिए। तो इसके बाद आप यहाँ पर वो डोमेन टाइप करोगे जो डोमेन आपको चाहिए। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर techguide.me टाइप करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करते हैं फाइंड में, और यहाँ पर यह डोमेन ऑलरेडी किसी और ने ले रखा है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके आ चुका है techn। तो यहाँ पर हम कोई अदर डोमेन टाइप करेंगे और यहाँ पर टाइप करते हैं न्यू गाइड। तो यह डोमेन अगर अवेलेबल रहा कुछ इस तरीके से, यहाँ पर फ्री वाला साइन आ जाएगा, देन यहाँ पर क्लिक करोगे एड में, इसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो जाएंगे एड, और यहाँ पर रहेगा इसका वैलिडिटी 1 ईयर रजिस्ट्रेशन, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, अभी आपको 1 भी रुपये पे करने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे कंप्लीट ऑर्डर, इसके बाद आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से इस पेज में आ जाओगे, फिर करेंगे हम नीचे स्क्रॉल कुछ इस तरीके से, यहाँ पर हम अपना जीमेल आईडी एंटर करेंगे जो गिटहब में रजिस्टर्ड है, हमारे केस में ये वाला है, इसे करेंगे हम कॉपी, फिर यहाँ पर आकर इसे कर देंगे हम पेस्ट, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे फिनिश। जैसे यहाँ पर हम फिनिश में क्लिक किए तो यहाँ पर कह रहा है कि हमें इसे सेलेक्ट करना ही होगा, तो चलिए इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, देन यहाँ पर क्लिक करते हैं फिनिश अप। इसके बाद आप इस पेज में आ जाओगे और आप यहाँ पर क्लिक करोगे रजिस्टर, फिर यहाँ पर अपना पूरा इन्फॉर्मेशन फिल करोगे, अपना नेमचीप अकाउंट का क्या यूज़र नेम रखना चाहते हो, क्या पासवर्ड रखना चाहते हो, फिर यहाँ पर दोबारा पासवर्ड टाइप करेंगे, यहाँ पर ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, एड्रेस लाइन 2 को छोड़ भी सकते हो या फिर टाइप कर सकते हो, ये आपकी मर्जी। फिर यहाँ पर सिटी का नेम, स्टेट, पिन कोड यानी कि अपना पोस्टल कोड, और यहाँ पर अपना कंट्री कोड सेलेक्ट करके मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट। उसके बाद आपका ऑर्डर यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो जाएंगे कन्फर्म, यहाँ पर रहेगा आपका डोमेन का नेम, आपने कौन सा डोमेन लिया है, साथ में रहेगा यहाँ पर उसका वैलिडिटी, और यहाँ पर क्लिक करेंगे कन्फर्म ऑर्डर, तो आपका डोमेन यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो जाएंगे सक्सेसफुली क्लेम। कैसे देखना है, यहाँ पर अगर टाइप करोगे नेमचीप, देन करेंगे नीचे स्क्रॉल, यहाँ पर क्लिक करोगे माय अकाउंट, यहाँ पर टाइप करोगे यूज़र नेम, कौन सा यूज़र नेम जो अभी रजिस्टर करते वक्त अपना यूज़र नेम रखे हो, इसके बाद यहाँ पर टाइप करेंगे पासवर्ड, आपने जो पासवर्ड रजिस्ट्रेशन करते वक्त रखा था वही पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करना है, इसके बाद यहाँ पर क्लिक करोगे साइन इन एंड कंटिन्यू, इसके बाद यहाँ पर ऐसे कर देंगे नेवर, यहाँ पर हमें वेरिफिकेशन कोड डालना है, कौन सा कोड होगा, आपका गिटहब अकाउंट से जो जीमेल आईडी रजिस्टर्ड है उसमें कोड चल जाएगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पर ऐसे कर लोगे ऑन और करेंगे नीचे स्क्रॉल कुछ इस तरीके से, इसे करेंगे हम कॉपी, फिर यहाँ पर आकर इसे कर देंगे पेस्ट और करेंगे सबमिट। तो कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर नेमचीप वेबसाइट में आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, यहाँ पर रहेगा आपका डोमेन
फिर आप अपने हिसाब से अपना होस्टिंग वगैरह मैनेज करके यहाँ से अपना फ्री वाला डोमेन यूज कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसकी वैलिडिटी होती है 1 ईयर तक। इसके बाद सीखते हैं हम अदर वेबसाइट से, करेंगे नीचे स्क्रॉल। यहाँ पर हमें चाहिए डॉट लाइव वाला का डोमेन, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसे हम उठाएंगे name.com से। यहाँ पर आने के बाद कुछ इस तरीके से आपको मिलेंगे ये सारे डोमेन्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कौन कौन से होंगे? डॉट लाइव, डॉट इंजीनियर, डॉट सॉफ्टवेयर, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर ये सारे डोमेन्स name.com से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा GitHub स्टूडेंट डेवलपर के बदले, जिसकी वैलिडिटी होगी 1 ईयर तक। इसे क्लेम करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे लॉगिन विद GitHub, फिर यहाँ पर इसे देंगे इसका परमिशन। इसके बाद आपका अकाउंट हो जाएगा लॉगिन। जैसे कि मुझे कौन सा डोमेन चाहिए, न्यू गाइड, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे सर्च में, तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये सारे डोमेन्स आ जाएंगे बहुत सारे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको चाहिए डॉट लाइव वाला डोमेन तो यहाँ से इसे क्लेम कर सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारे डोमेन मिल जाएंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ में इस डोमेन का 1 ईयर के बाद क्या रिन्यूअल चार्जेस होंगे वो भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। मान के चलो मुझे इस डोमेन को चाहिए, यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐड टू कार्ट, देन यहाँ पर क्लिक करेंगे चेकआउट। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करोगे नो थैंक्स, फिर आप कुछ इस तरीके से इस पेज में आ जाओगे। इसके बाद हमें यहाँ पर क्लिक करना है नेक्स्ट स्टेप, फिर यहाँ पर अपना ईमेल आईडी, अपना यूज़र नेम क्रिएट करोगे, अपना पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करोगे जो कि होगा मिनिमम 7 कैरेक्टर्स का। तो यहाँ पर टाइप करते हैं अपना जीमेल आईडी, इसे करेंगे हम कॉपी, फिर यहाँ पर आकर इसे कर देंगे हम पेस्ट, फिर यहाँ पर यूज़र नेम और यहाँ पर अपना पासवर्ड सेट कर लेंगे। देन करेंगे नीचे स्क्रॉल और यहाँ पर क्लिक करोगे क्रिएट माई अकाउंट, या फिर आप गूगल से भी साइनअप कर सकते हो। तो आपको जिस तरीके से फिर इस पेज में आ जाओगे। यहाँ पर आने के बाद हमसे यहाँ पर कह रहा है कि आपको 870 रुपये पे करने होंगे। किसके लिए? यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर जो सिक्योरिटी वाला है जो फ्री में दिख रहा है एक्चुअली इसका चार्ज है। इसे करेंगे रिमूव, देन यहाँ पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट। फिर यहाँ पर आने के बाद हमें 1 भी रुपये पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अगर आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन का नेम है तो यहाँ पर टाइप कर सकते हो या फिर इसे छोड़ भी सकते हो, क्योंकि यहाँ पर स्टार लगा हुआ नहीं है, हम इसे छोड़ भी सकते हैं। देन यहाँ पर टाइप करेंगे अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपका ऑलरेडी होगा। इसके बाद यहाँ पर अपना फुल एड्रेस टाइप करेंगे, एड्रेस line 2 को छोड़ देंगे, आप चाहो तो इसे टाइप कर सकते हो या फिर इसे छोड़ भी सकते हो। इसके बाद यहाँ पर अपना सिटी का नेम, स्टेट, जिप कोड या फिर पोस्टल कोड यानी कि अपना पिन कोड, यहाँ पर अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे, अपने हिसाब से अपना कंट्री कर लोगे सेलेक्ट। इसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से करेंगे दोनों को एग्री, देन यहाँ पर क्लिक करोगे नेक्स्ट स्टेप पेमेंट, तो आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से रिडायरेक्ट होकर इस पेज में आ जाओगे। इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट स्टेप। इसके बाद आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर इस पेज में आ जाओगे। देन यहाँ पर कहेगा अपना गूगल पे या फिर अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड लिंक करो, आपको अपना लिंक करना होगा तभी आपका यहाँ पर ऑर्डर होंगे कंप्लीट। हालांकि आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से अभी 1 भी रुपये नहीं कटने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर दोनों करेंगे एक्सेप्ट और यहाँ पर क्लिक करेंगे कंप्लीट ऑर्डर, फिर यहाँ पर आपका ऑर्डर होगा सबमिटिंग और चल जाएगा कुछ इस तरीके से प्रोसेसिंग में, बस आपको वेट करना है 1 से 2 मिनट और कुछ इस तरीके से आपका ऑर्डर हो जाएंगे कंप्लीटेड। फिर यहाँ पर कहेगा वेरिफिकेशन के लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं, फ़ोन नंबर या फिर ईमेल, तो मैं यहाँ पर चूज़ करूँगा ईमेल, गेट वेरिफिकेशन कोड, फिर अपना जीमेल ओपन कर लेंगे कुछ इस तरीके से। इसे करेंगे हम कॉपी, फिर यहाँ पर आकर इसे कर देंगे हम पेस्ट और यहाँ पर करेंगे इसे वेरीफाई, तो कुछ इस तरीके से आपका ऑर्डर हो जाएगा कंप्लीट और यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑर्डर आईडी। इसके बाद अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो माय डोमेन्स, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपका डोमेन आ जाएगा और इसका एक्सपायरी डेट यहाँ पर कुछ इस तरीके से रहेगा, ये होगा पूरे 1 ईयर के लिए। फिर आप चाहते हैं ये ऑटोमेटिक रिन्यूअल ना हो तो इसे कर देंगे हम ऑफ़, यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये हो जाएंगे ऑफ़। बस एक क्लिक में ही यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हो। ऑफ़ करने का क्या फ़ायदा है? अगर आप अपना डेबिट कार्ड लिंक किए हो या फिर क्रेडिट कार्ड लिंक किए हो तो फिर आपका डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से ऑटोमेटिक चार्ज नहीं कटेंगे। हालांकि अगर आपको इसे कंटिन्यू नहीं यूज़ करना है तो हमें इसे ऑफ ही कर देना है ताकि फ्यूचर में हमारा डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से 1 भी रुपये ना कटे। तो अब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो अपने यूज़ के अकॉर्डिंग। इसके बाद अगला वेबसाइट है .tech domains, उसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे।
फिर आपको जिस तरीके से इस पेज में आ जाओगे, इसके बाद यहाँ पर अपना डोमेन टाइप करोगे, आपको कौन सा डोमेन चाहिए, देन यहाँ पर क्लिक करोगे सर्च, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपका डोमेन आ जाएंगे और आपके सामने यहाँ पर चार्ज दिखेंगे। देखते हैं लास्ट स्टेप तक ये क्लेम होते हैं या नहीं। यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐड टू कार्ट, इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे प्रोसीड, देन यहाँ पर क्लिक करोगे लॉगिन विद गिटहब, फिर यहाँ पर से दोगे परमिशन, इसके बाद ये प्राइस हो जाएंगे कुछ इस तरीके से जीरो। जैसे ही अपना गिटहब अकाउंट लॉगिन करोगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो जाएंगे जीरो। देन यहाँ पर क्लिक करोगे प्लेस ऑर्डर, फिर यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा क्योंकि हमारा इसमें पहले अकाउंट नहीं है, तो यहाँ पर क्लिक करोगे क्रिएट अकाउंट, यहाँ पर अपना नेम, कंपनी का नेम अगर है तो, या फिर इसे आप छोड़ देंगे, फिर ईमेल एड्रेस, एड्रेस, सिटी का नेम, पिन कोड, कंट्री, फिर यहाँ पर स्टेट, यहाँ पर अपना पासवर्ड टाइप करोगे, आपको कौन सा पासवर्ड रखना है, फिर इसी पासवर्ड करोगे आपका कन्फर्म, इसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, अगर आपका कोई सेकेंडरी मोबाइल नंबर है तो उसको भी यहाँ पर टाइप कर सकते हो या फिर से छोड़ देंगे। देन यहाँ पर क्लिक करोगे क्रिएट अकाउंट, सारा इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद यहाँ पर इसे करेंगे एक्सेप्ट और यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट, इसके बाद इसे करेंगे नो थैंक्स और फिर आपको जिस तरीके से रिडायरेक्ट होकर फिर इस पेज में आ जाओगे दोबारा और यहाँ पर क्लिक करोगे कन्फर्म ऑर्डर, तो आपका यहाँ पर ऑर्डर कुछ इस तरीके से हो जाएंगे सक्सेसफुल। यहाँ पर रहेगा आपका डोमेन का नेम, आपने कौन सा डोमेन लिया और इसकी वैलिडिटी कितना है 1 ईयर। इसके बाद आपको नेक्स्ट टाइम से डोमेन को चेक करने के लिए क्या करना होगा, डॉट टैग डोमेन टाइप करोगे कुछ इस तरीके से, फिर आपको जिस तरीके से इस पेज में आ जाओगे, देन आप यहाँ पर क्लिक करोगे माई अकाउंट, फिर आपको जिस तरीके से इस पेज में आ जाओगे, देन आप यहाँ पर क्लिक करोगे अपना डोमेन को देखने के लिए मैनेज ऑर्डर्स, फिर आप यहाँ पर क्लिक करोगे, इसके बाद आपको यहाँ पर डोमेन को जिस तरीके से आ जाएंगे, साथ में रहेगा यहाँ पर एक्सपायरी डेट। इसके बाद अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपको अंदर से अपना जीमेल आईडी वेरीफाई करना है, उसके लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा रिसेंट ईमेल, फिर अपना जीमेल आईडी ऑन कर लेंगे कुछ इस तरीके से, इसके बाद हमें इसे कन्फर्म करना होगा, उसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हो जाएंगे सक्सेसफुली वेरीफाई, इसे करेंगे कट और करेंगे यहाँ पर रिफ्रेश, तो आपका डोमेन यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा रजिस्टर्ड, जो कि होगा 1 ईयर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद आपको इसका रिन्यूअल चार्जेस देना होगा जितना भी यहाँ पर इसका चार्ज है। तो आप जान चुके हैं किस तरीके से आपको डोमेन लेना है फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपका गिटहब का स्टूडेंट पैक वाला अकाउंट है तो, खास करके उन लोगों के लिए जो भी सीख रहे हैं किस तरीके से क्या करना है, कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, कैसे अपना पहला वेबसाइट बनाएंगे सिर्फ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, तो आप इस तरीके से अपना डोमेन लेके सारा चीज़ टेस्ट कर सकते हो आपको कैसे क्या करना है। उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे देखकर आप सीख जाओगे किस तरीके से आपको गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक लेना है। अगर आप स्टूडेंट हो या फिर नहीं भी हो तो उसका भी जुगाड़ मैंने उस वीडियो में बताया है। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।